सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा में चल रहे अवैध कारोबार और कारोबारियों पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम छापेमार कार्रवाई कर रही है। सोनीपत में पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम एक्शन मोड में नजर आ रही है। पिछले सप्ताह बर्फखानों पर कार्रवाई की गई तो आज फिर खरखोदा क्षेत्र में चल रहे ईंट भट्टों पर कार्रवाई से ईंट भट्टा मालिकों में सनसनी फैल गई। इस छापेमारी में अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद हैं। कई भट्टा मालिक ईंट पकाने के लिए कोयले पर कच्ची रबड़ का प्रयोग कर रहे थे जो कि प्रतिबंधित है। तस्वीरें सोनीपत से आ रही हैं जहां मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के साथ साथ अन्य विभागों के कर्मचारी ईंट भट्टों पर एक्शन मोड में नजर आए। आजकल ईंट भट्टों पर कच्ची ईंट को पकाने का काम जोरों पर है और ईंट भट्टों पर कोयले पर रबड़ की परत लगाकर उसको जलाया जा रहा था जो कि प्रतिबंधित है और इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, जिसकी गुप्त सूचना मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को मिल रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मिलकर गांव सिसाना में चल रहे मदन ईंट भट्टे पर अवैध रूप से प्रतिबंधित मटेरियल मिला। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। खरखोदा में सूचना मिल रही थी जो भट्टे चल रहे हैं उसमें ईंधन के रूप पर रबड़ का वेस्ट प्रोडक्ट कोयले के साथ मिलाकर यूज किया जा रहा है, जिसकी सूचना पाने पर पॉल्यूशन विभाग को, खाद्य आपूर्ति विभाग को व CM फ्लाइंग ने एक ज्वाइंट रेड की, जिसमें सूचना सही पाई गई और उस सूचना के आधार पर अभी कार्रवाई की जा रही है। सर, कितने भट्टों पर रेड की गई है अभी शुरुआत में? क्योंकि काफ़ी समय लगता है, दो ही भट्टे चेक किए गए, दो में से एक भट्टा है जिसपे बैंड मटेरियल मिला है और मदन भट्टा सिसाना में है। सर, क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? उनको नोटिस दिया जाएगा, सेटिस्फैक्ट्री जवाब अगर मिलता है तो आगे हमें कार्रवाई की जाएगी और अगर अनसेटिस्फाइड मिलता है तो FIR दर्ज की जाएगी।